निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है ये आपको बताना है। ओके, तो इन 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 चारों में से पोटेशियम जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप ऐसा करना कि आप है ना, मतलब आप अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है श्रेणी से याद करना, श्रेणी से कौन सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, फिर उसके बाद कौन होता है। ओके, इस तरह आप याद कर लेना, ठीक है। ओके, जैसा कि आपको ये जो फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कौन कम है, ठीक है। इस तरह आप इस चार्ट को आप याद कर लेना, ठीक है।